क्या मकसद से आपने बुलाया? मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोनों पार्टियों की इमेज खराब है, एक टूट फूट में बर्बाद हो रही है, दूसरी अपने कर्मों से बर्बाद हो रही है। सरकार इनकी बनेगी नहीं, सरकार इस बार निर्दलीयों की बनेगी, जिसका मैं नेतृत्व करूंगा। मैं स्वयं नेतृत्व करने के बाद में सरकार बनाने का दावा पेश करूंगा। ये आपको बताने के लिए बुलाया, क्योंकि एक पहला एक्सपेरिमेंट है जहां निर्दलीय को यह कहने को तैयार किया आई एम द कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टरशिप, और ऐसा होगा। किसी हालत में भारतीय जनता पार्टी 75 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, और बीजेपी तो कांग्रेस तो किसी भी कीमत पर 80 को पार नहीं करेगी। कांग्रेस में जो नेता अच्छा है उसकी एक बड़ी जाति विरोध में, और जो नेता कमजोर है उसके कोई साथ में नहीं है। इसलिए कांग्रेस में ये सब सर्वे की रिपोर्ट गलत आ रही है, कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस 85 पे लुढ़ जाएगी, भाजपा 75 के पास रहेगी। मैं घनश्याम तिवारी से उम्र में तो 5 साल बड़ा हूं, पर राजनीति में 17 साल सीनियर हूं। वसुंधरा जी जो जब बच्चों की स्टेज पे थी तो मैं राष्ट्रीय राजनीति करता था, तो मैं राजनीति में वरिष्ठ भी हूं। मैं नहीं समझता कि कोई कमी है, आई कैन रन द गवर्नमेंट वेरी इजीली। तो मैंने अपने को सत्ता में लाने के लिए निर्दलियों का सहारा लिया, और मेरे पक्के 30 से 35 निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। मैं जहां जाता हूं घोषणा करके आता हूं कि ये मेरा निर्दलीय है। मैं जोधपुर की भी अगले 15-20 दिन में एक उम्मीदवार की घोषणा करूंगा, बाकी जो मैंने 7 नाम बताए उनके उम्मीदवार तय हैं। मैं चाहता हूं कि मैं घोषणा न करूं, क्योंकि निर्दलीय है, कल को कोई दबाव में आगे बदल भी जाए, मैं चाहता हूं स्वयं करें। जैसे मैंने अभी सूरतगढ़ में गया था तो सतपाल मेघवाल ने कहा आई एम द कैंडिडेट ऑफ चंद्रराज सिंह भी। लाडनू में गया था नरेंद्र भुतोड़िया ने कहा मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा चाहे कितना भी प्रलोभन आ जाए। ऐसे आदमी है मेरे पास, मैं 30 आदमी ला करके स्वयं नेतृत्व की बात करूंगा, झुकनेगा और गलत लोगों के साथ जाने का मेरा प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। राजस्थान कर्नाटक बनेगा 100% राजस्थान कर्नाटक बनेगा, और मैं कुमार स्वामी बनने का प्रयास करूंगा।